माँ की गाली भाई यार, क्या बताऊं भाई। और अगर आपके ऊपर बार बार ये रिपोर्ट्स आती हैं तो यहाँ पे आपकी आईडी परमानेंटली बैन भी की जा सकती है। तो हे व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप सो आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, देन विद यू गेन तक देखते रहना। और गाइस, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले विद यू को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग 4th के फैमिली के बहुत ही क्लोज है। ओके, तो चलिए आज की विद यू स्टार्ट करते हैं हमारी 4th स्टोरी के साथ एंड मैं बात करने वाला हूँ नॉन स्टॉप गेमिंग एंड बॉस ऑफिशियल के बारे में। जैसे कि अभी के टाइम पर आप लोगों को पता है फ्री फायर कम्युनिटी में सबके व्यूज डाउन हुआ पर है। इसका रीजन आप लोगों को पता ही है, फ्री फायर बैन इन इंडिया। कल शिवम भाई और यश भाई इसके ऊपर रिएक्ट किया था, तो आप लोग खुद देख सकते हो। अभी देख रहा था मैं कल परसों ही, अभी वो वापस आ गया, मैं भी कमबैक कर लिया तो देख रहा था मैं सबके चैनल। भाई कितने बुरे हालत चल रहे हैं सबके भाई। बस वही है ना, गेम नहीं है तो ऑडियंस नहीं है, और फिर वही नहीं, फिर भी अलग ही सीन हो गया यूजी वगैरह का देखो। नहीं, फैक्ट तो भाई पूरी कम्युनिटी पे पड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलो। मतलब अभी राजा वही है जो शॉर्ट्स डाले भाई, शॉर्ट्स डालो। मैं भी सोच रहा हूँ दोबारा से शॉर्ट चालू कर दे यार। शॉर्ट्स में सब्सक्राइबर तो माइनस नहीं होंगे ना एटलीस्ट। लेकिन एड करने का एक टाइम होता है, क्योंकि एक साथ सबको फ्रेंड लिस्ट में लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्पेस नहीं रहता, फुल हो जाता है। तब बिंजत भाई उस बंदे को रिक्वेस्ट सेंड नहीं किया था। उसके बाद वो बंदा बिंजत भाई की माँ को लेकर यूज़ करने लगता है, तो उसके बाद बिंजत भाई बहुत ही गुस्सा हो जाता है। आगे क्या हुआ तो आप लोग खुद देखिए। सुपर चैट दे रहा है, ठीक है, और वो भी फेक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फ्रेंड लिस्ट में ले। उस पहले मैंने बोला मैं सुपर चैट से किसी को रिक्वेस्ट नहीं देता, अब गाली दे रहा है, वो भी फेक सुपर चैट दे के। गाली भी फेक सुपर चैट दे के ही देते हो क्या? और अब गाली दे रहा है एक नंबर का, वो जरा उसका हाइड कर दो जो भी उसने सुपर चैट भेजा है। क्या लोग है भाई, कुछ काम धंधा होता नहीं है क्या तुमको किसी को गाली देने के बगैर? कहां से आते हैं लोग भाई? उसको रिक्वेस्ट नहीं भेजा तो एकदम भड़क गया। आदत हो गई है क्या यूट्यूबर्स को सुपर चैट देने की, और वो लोग तुमको रिक्वेस्ट भेजते हैं? यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। साला अपना पैसा ना अपने पास रखो, काम आएगा तुम्हारे। माँ की गाली दे रहा है सुअर बंदा एकदम भाई, साला ते गाली दे रहा है भाई। तू सुपर चैट देगा, मैं तेरे को रिक्वेस्ट क्यों भेजूं भाई? मैं बोला ना मैं सुपर चैट से रिक्वेस्ट नहीं भेजता, समझ? ऊपर से माँ की गाली दे रहा है, तुमको समझ नहीं आता क्या? तुम लोग के दिमाग में नहीं बे, माँ की गाली दे रहा है बे। तू मेरे सामने होता ना, मैं तेरे को नंगा कर दिया होता सड़क पे, ठीक है, फिर मैं तेरे को बताता बिंजत कौन है। माँ की गाली ऐसे दे रहे हो, बाप के हराम के पैसे ना यहाँ पे मत भेजो सुपर चैट। जब मैं ऑलरेडी बोला मैं रिक्वेस्ट नहीं भेजता हूँ सुपर चैट से, मत भेजो। इतने सारे बंदे, मेरे को एक बात बताओ, 350 बंदे स्ट्रीम देख रहे हैं, ठीक है, 350 बंदों के पास नहीं होगा पैसा सुपर चैट देने के लिए, ठीक है। मैं समझता हूं, मैं भी उस टाइम से गुजरा हूं जब मेरे पास, क्या बोलूं, मेरे पास नहीं होते थे पैसे, ठीक है, मैं भी नहीं कर सकता था सुपर चैट, ठीक है। तो मैं जानता हूं ना, अगर मैं इस बड़वे का, इस हरामखोर का रिक्वेस्ट उठाया, ठीक है, जो मेरे को अभी गालियां दिया, अगर मैंने इसका, जो 350 बंदे बेचारे जिनके पास पैसे नहीं है, जो नहीं दे सकते मेरे को ये, ठीक है, सुपर चैट, उनको मैं नहीं भेज रहा हूं ना रिक्वेस्ट, उनको बुरा लग रहा होगा ना बे। वो अपनी जगह ऐसे बैठ के सोच रहे हो, अरे बिंजत भाई को ना उस बंदे ने सुपर चैट दिया तो बिंजत भाई ने उसको रिक्वेस्ट भेज दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, काश मेरे पास पैसे होते तो बिंजत भाई मेरे को भी रिक्वेस्ट भेजते, है ना, ऐसा ही सोचेंगे ना सारे, क्योंकि छोटे बच्चे भी है जो स्ट्रीम देखते। मैं नहीं चाहता मैं ऐसा बनूं भाई। माँ ने सुना भी, अब मेरे को बहुत डांट नहीं होगी भाई, सच्ची बता रहा हूँ। पता नहीं कि सुना कुछ बोलते हुए, बट चिल्लाते हुए तो सुना। मैं माँ की गाली भाई यार, क्या बताऊं भाई। ऐसे ऐसी चीजों पे ना इंसान भड़क जाता है सच में, क्योंकि मेरा ना दिल सीधा है भाई, मेरे को ना ये सब चीजें नहीं आती इग्नोर करनी, ठीक है। कोई मेरी माँ को गाली देगा और मैं इग्नोर करूंगा? अरे उसको ना सबक सिखाना जरूरी होता है भाई, क्योंकि माँ की क्या गलती है भाई, वो घर पे है बेचारी,
पीट रहे हो फालतू। मैं जब किसी की माँ के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता तो मेरी माँ के बारे में कोई क्यों बोलेगा। और कि अभी नेक्स्ट स्टोरी होने वाले बॉस गिल के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा बॉस गिल ग्लोबल टॉप नंबर 1 पर है, पूरा वर्ल्ड में नंबर 1। तो इस चीज को देखकर फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल ने खुद इंस्टा पे एक पोस्ट डाली है बॉस गिल को कांग्रेचुलेशंस विश करते हुए। तो वी आर गेमर्स आज की वीडियो पर इसके बारे में बात किया, यानी कि बॉस आयुष भाई, ये भी आप लोग देख सकते हो। गाइस आप लोगों को पता है हम लोगों ने पूरा का पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ऐसा रिकॉर्ड जो पूरे वर्ल्ड में किसी और ने नहीं बनाया। जैसे कि आप लोगों को पता है अपनी इंडिया, अपना भारत ग्लोबल टॉप नंबर 1 पर है, अपनी बॉस ग्लोबल टॉप नंबर 1 पर है। इसी चीज को देखकर, हमारे हार्ड वर्क को देख के, हमारे डेडिकेशन को देख के खुद गरीना फ्री फायर ऑफिशियल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है हम लोगों को कांग्रेचुलेशन विश करते हुए। गरीना फ्री फायर ने ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है कांग्रेचुलेशन बॉस फॉर ग्लोबल टॉप नंबर 1 हाईएस्ट गिल्ड एक्टिविटी ग्लोबली। ये पोस्ट देखने के बाद बहुत सारे हेटर्स की बहुत बुरी तरीके से जली होगी। जली ना तेरी भी जली ना। और अगर आप लोग बॉस गिल को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो भाई के चैनल पर जाके देख सकते हो। ओके, मैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करूंगा, तो आप लोग अच्छे से सुनना एंड देखना। आप लोग का फ्री फायर आईडी परमानेंटली बैन और बहुत कुछ हो सकता है, ये भी फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। तो आप लोग गेमी और भाई के मुंह से खुद सुन लीजिए। देखो गरीना फ्री फायर का थोड़ी देर पहले एक पोस्ट आया था जहाँ पे गरीना फ्री फायर ने साफ कह दिया कि देखो हम लोग एक नया कोड ऑफ कंडक्ट लेके आ रहे हैं, चीटर्स बीवेयर, यहाँ पे उनकी आईडी बैन हो सकती है। एंड जिसको मैंने खुद अप्रिशिएट करा था, कहा था भाई वेल डन, एक अच्छा मूव ले रही है गरीना फ्री फायर। तो जिस तरीके से इस प्रोफाइल को ओवर फॉर एन एग्जांपल जैसे पेड पुश, आईडी सेलिंग, हैक सेलिंग, या फिर यहां पे इसने अपना व्हाट्सएप नंबर उधर का चलो जो भी है एक्स वाई जेड आईडीस पे लिखते हो, तो यहां पे आपकी आईडी पे सबसे पहली चीज क्या होगी, आपकी आईडी को हो सकता है सबसे पहले वार्निंग आए, देन उसके बाद आपकी आईडी को टेंपरेरी बैन किया जाए। और अगर आप सेम चीज दोबारा करते हो सकता है आपकी आईडी के लेवल जो आपने 2-3 साल 4 साल मेहनत करके बिल्ड करें 70-80 लेवल, उनको रीसेट कर दिया जाए। और अगर आपके ऊपर बार बार रिपोर्ट्स आती हैं तो यहां पे आपकी आईडी परमानेंटली बैन भी की जा सकती है। एंड गरीना फ्री फायर एक टफ स्टेप होने वाला है। अब देखो अगर गरीना फ्री फायर इस चीज को ऑटोमेशन में डालती है तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी यहां पे मशीन्स क्या करती हैं, यार आपको पता है कि मशीन लर्निंग कभी भी इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती। हो सकता है आपके फोन्स कुछ अलग हो और मीनिंग कुछ अलग बना रहे हो, तो आप लोग प्लीज 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 अपने फोन्स को चेक कर लेना अगर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हो। एंड यहां पे कोशिश करना कि भाई आप अपने नॉर्मल फोन्स का भी प्रयोग करो, जो नॉर्मल फोन्स होते हैं आड़े तिरछे फोन्स का इस्तेमाल ना करो ताकि उसकी कुछ और मीनिंग ना निकल के आ जाए। एंड हां अपने अपने डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, अभी बढ़ते अगली स्टोरी की तरफ। मैं बात करने वाला हूं द UK07 राइडर के बारे में। तो आप लोगों ने बाबू भैया का ये जोकर वाला मीम तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो कल ज्ञान भाई लाइव आता है UK07 राइडर को सपोर्ट करते हुए। अभी आप लोग देख सकते हो टाइटल में क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट UK07 राइडर, प्लीज स्टॉप कॉलिंग द UK07 राइडर अ जोकर। ज्ञान भाई ने बताया है वो बाबू भैया को सपोर्ट क्यों कर रहा है। ज्ञान भाई के मुंह से आप लोग खुद सुन लीजिए। ज्ञान भाई आपको हेड मिलेगा। अरे यार दोस्त है, कैसा है दोस्त, देखो ऐसे देखो कैसे, मैं बिग बॉस देखते नहीं हूँ, सच्ची बात बोलूँ मैं बिग बॉस देखते नहीं हूँ, मैं अगर उसमें मेरे दोस्त गए तो भाई सपोर्ट तो बंद, ऐसा बात होगा ऐसे कैसे यार पगलो। एक तरफ है राइज स्टार, ठीक है, एक तरफ है राइज स्टार, दूसरी तरफ है यार कौन, दूसरी तरफ किसको रखा जाए, दूसरी तरफ है पकड़ लो किसको हम लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई भी पकड़ लो, बड़े यूट्यूबर कोई भी पकड़ लो, मैं फ्री फायर का नहीं, कोई अलग कोई यूट्यूबर, ठीक है, कोई अलग का, तो मैं राजस्टर को सपोर्ट दूंगा ना, क्योंकि राजस्टर मेरे साथ खेलता है, मेरे से बात किया ना, और कोई बात और कोई यूट्यूबर जान जो जो लोग गया उन लोगों को नहीं जानता ना गाइस, सिर्फ अनुरोध बाबू भैया को जानते हैं तो बाबू भैया को सपोर्ट करेंगे, ऐसे बात है। ओके, अभी फाइनल स्टोरी एंड मैं बात करने वाला हूँ राइस्टर के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा 2 साल होने वाला है राइस्टर अपनी मेन चैनल पर एक भी वीडियो नहीं डाला। राइस्टर का जल्दी ही न्यू वीडियो आने वाला है। तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई ने इंस्टा स्टोरी लगाया है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है न्यू वीडियो कमिंग सून। भाई ने न्यू वीडियो का गेम प्ले थोड़ा दिखाया है, अभी आप लोग देख ही पा रही हो कितना खतरनाक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेजेंड नेवर डाई, लेजेंड ऑलवेज लेजेंड। राइस्टर भाई का न्यू वीडियो देखने के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर से बताना। ओके गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आज की स्टोरी सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल। और अगर आप लोग मेरे साथ बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, बस आप लोग मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना। ओके, तो इस वीडियो को यही पे खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड लव यू ऑल। That was just me, so I'm sorry.